मैं वाशिंगटन नहीं गया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। इतनी ख़राब सड़कें, और आप लोगों की स्थिति देखिए, लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं, आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। पीछे कई किसानों ने कहा कि सोयाबीन की खेती के चलते वो तबाह हो गए हैं, क्योंकि सोयाबीन का उनको दाम नहीं मिलता है, कपास का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के बुनियादी सवाल हैं, और भारत जोड़ो यात्रा अपने इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के चल रही है कि किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के को जो आज़ादी दिलाई, जो संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को दिलाए, वो किसी भी कीमत पे जो है छीनने नहीं देंगे। देश में नफरत नहीं फैलेगा, हम एकजुट रहेंगे, और एकजुट देश, देश की प्रगति रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी के सवाल पे होती है। इस सवाल पे सरकार की जवाबदाही तय की जाएगी। और इस यात्रा की एक खास बात है कि हम अपने मन की बात नहीं सुना रहे हैं, ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का कैरियर का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर 45 साल में जब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो उन नौजवानों के कैरियर का सवाल है। इसीलिए यह यात्रा जब कन्याकुमारी से चली थी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था। अब जब यह यात्रा 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और हम सतपुरा की पहाड़ी की उस तरफ से, सतपुरा की पहाड़ी के इस तरफ आ चुके हैं, तब ये यात्रा उत्सव से महोत्सव बन चुका है। इस महोत्सव में आप सब भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं। विरोध करने के लिए ही सही, भाजपा भी इस यात्रा को लाइव देख रही है। तो इस महोत्सव में पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से स्वागत है। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। एक चीज जो अभी कन्हैया ने कहा, अभी मैं दोहराना चाहता हूँ, पिछले 19 साल में भारतीय जनता पार्टी 17 साल सत्ता में रही है मध्य प्रदेश में, और मैं भी रोज 12-14 किलोमीटर चलता हूँ कन्याकुमारी से अभी खरगोन तक, रोज 12-13, कभी कभी 14, कभी 20 किलोमीटर हो जाता है। पर इन 7 राज्यों में मुझे कोई, 6 राज्यों में कोई परेशानी नहीं हुई चलने में, 77 दिन कोई परेशानी नहीं, 75 दिन कोई परेशानी नहीं, पर पिछले 3 दिनों से, पहले बुरहानपुर ज़िले में, बाद में खांडवा ज़िले में, और यहाँ अभी खरगोन ज़िले जब आए हैं, यहाँ तो मुझे गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिला। सुबह सुबह मैं आज सुबह 6:45 से चल रहा हूँ, आज 14.5 किलोमीटर में चला हूँ, खड्डे ही खड्डे, और बीच में बिट्यूमन और टार है, पर वहाँ तो खड्डे ही खड्डे। 17 साल सत्ता में रही है शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री रहे हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, सड़कों वाशिंगटन की सड़क के माफिक बना देंगे। मैं उनको कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, कृपया अगले 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, क्योंकि आपका कार्यकाल 1 साल बाकी है आपका, कुछ तो कीजिए बुरहानपुर, खांडवा और खरगोन के सड़कों के बारे में, क्योंकि इतना खतरा मैंने महसूस नहीं किया है जितना कि मैंने पिछले 3 दिन में महसूस किया। ऐसे तो पब्लिक का रिस्पांस बहुत सकारात्मक है, हमारा संगठन भी बहुत जोश आया है। आपने सही कहा, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते रहेंगे, पर जो लोग कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनको एक संजीवनी के माफिक ये भारत जोड़ो यात्रा है, और ख़ास तौर से जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं उनमें मैंने नई जोश देखी है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे युवा साथी, और मैं हमेशा युवा लोगों के साथ ही रहता हूँ, और कई लोग मुझे रोज मिलने के लिए आते हैं, और मध्य प्रदेश में भी पिछले 3 दिन ब्लॉक के स्तर से, ज़िले के स्तर से, स्टेट लेवल पदाधिकारी, युवा लोग मुझे आकर कहते हैं, सर हमें ऊर्जा मिली है, नई जान आई है, नया भविष्य देख रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा का
सबसे बड़ा योगदान रहा है अब तक हमारे संगठन में, एक नई जोश लाई है, नई उमंग आई है, नई उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा ये अलग बात है, चुनाव के लिए संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, अनुशासन की ज़रूरत है, एकजुटता की ज़रूरत है। अशोक गहलोत के बारे में बार बार कई लोगों ने सवाल उठाया, राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में मैं कह दूँ, कल शाम को मैंने एक बयान दिया, वो पार्टी की ओर से मैंने बयान दिया और मैं उसको दोहराऊँगा। अशोक गहलोत जी हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में वो तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी संगठन रह चुके हैं, सब बड़े अनुभवी बड़े वरिष्ठ नेता हैं। सचिन पायलट हमारे युवा साथी हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, लोकप्रिय हैं, कैरिस्मेटिक हैं, जो हल निकालना है कांग्रेस नेतृत्व को राजस्थान के मामले में वो निकाला जाएगा। संगठन सर्वोपरि है, सर्वप्रथम संगठन को देखने की ज़रूरत है, व्यक्ति आते हैं व्यक्ति जाते हैं पर संगठन को मजबूत करना है और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है और जो हल निकाला जाएगा वो संगठन के नज़रिए से, संगठन को प्राथमिकता देते हुए ही निकाला जाएगा। कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इंटरव्यू में जिसका आपने जिक्र किया, ये अप्रत्याशित, मुझे भी अप्रत्याशित था, कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक परिवार हैं, अशोक गहलोत की भी ज़रूरत है कांग्रेस को, सचिन पायलट की भी ज़रूरत है कांग्रेस को, दोनों की ज़रूरत है। कुछ मतभेद हैं हम उससे भागते नहीं हैं पर एक चीज़ आप याद रखें, हमारे पार्टी में भय का माहौल नहीं है, हमारे पार्टी में कोई डरे हुए नहीं है, जो मन में आता है बोलते हैं या लिखते हैं या इंटरव्यू देते हैं, हमारे पार्टी में ऐसा कोई तानाशाही नहीं है, तानाशाही का वातावरण नहीं है, हाईकमांड है पर हाईकमांड तानाशाही के आधार पर निर्णय नहीं लेती, ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस। तो जो आपने सवाल उठाए हैं, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो मैं भी कुछ, मुझे भी कुछ आश्चर्य हुआ, ये अप्रत्याशित पर कल मेरे बयान मैंने दिया है, वो सोच समझ कर दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष से बात करके ही मैंने वो बयान दिया है और मैं फिर से दोहराऊंगा, जो हल निकाला जाएगा कांग्रेस संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा, व्यक्तियों के आधार पर कोई हल नहीं निकाला जाएगा, संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। आपके सवाल का सारा जवाब मैंने दे दिया, रेहान का जवाब आप 28 तारीख को राहुल से पूछिए, आप ऐसा पूछिए सर आपका तो रीलॉन्च हो गया क्या, आप पहले राहुल का लीलाओं।